मैंने तीन ही बुक्स बनाई हैं, कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोज हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। सब खुश है, खैरियत से, ठीक ठाक है, खुश। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सपोर्ट की इंक्वायरी को कैसे डील करना है। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट की इंक्वायरी को डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए लोग यूजुअली मार्केटिंग मैनेजर वगैरह रखते हैं, जिनकी तनख्वाह 2-2.5-3 लाख रुपए होती है, गाड़ी करोला देते हैं, मोबाइल देते हैं, फॉरन ट्रिप देते हैं, फलां धमाका। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है, इतना आसान नहीं होता। आपको पता होगा मेरे पास तो 1000 से ज्यादा कस्टमर की डेटाबेस है, इतने एग्जीबिशंस में गया हूँ, इतने कस्टमर से मिले हैं, लेकिन अब मैंने एक्सपोर्ट और सोर्सिंग के काम से बाहर आ गया हूँ। अब मैं कंसल्टेंसीज और वर्कशॉप्स में होता हूँ, लेकिन मेरे एक कस्टमर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज मेरी ये इंक्वायरी है, मैं चाह रहा हूँ आप ही के थ्रू हो, आप करो। तो काफी दिन हो गए थे, तो मैंने अपने लिंक्डइन में और व्हाट्सएप में तमाम जगह डाला, तो उस ये बेसिकली चावल की इंक्वायरी थी, जो बेसिक चावल होता है हमारा, ओपन एंड चावल होता है। उसके मुझे काफी सारे 100 से ज्यादा सप्लायर्स ने मुझे इसका जवाब दिया। उसमें से सिर्फ 3 ऐसे सप्लायर थे जिनकी प्राइस ठीक थी, जिनकी प्राइस वर्केबल थी, जिनको मुझे लगता है कि अब वाकई एक्सपोर्ट इंक्वायरी डील करना आती थी, बाकी किसी को नहीं आती थी। और मैं ये बात शायद उन लोगों को बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। इसीलिए ये जो कंपनियां जो 3-3 लाख 2.5 लाख रुपए में एम्प्लॉई रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं ताकि एक्सपोर्ट की इंक्वायरी इंसान पहले समझे। देखो तो सबसे पहले जब आप किस एक्सपोर्ट की कोई इंक्वायरी आई, चलिए इसी इंक्वायरी को ले लेते हैं, जब ये इंक्वायरी आती है तो इंक्वायरी को कम से कम 2 से 3 दफा पढ़ो, समझो, गौर करो, अपना तजुर्बा लगाओ है क्या, ठीक है ना। ज्यादातर सवाल लोग फजूल फजूल पूछते हैं, और वो इतने फजूल सवाल होते हैं, अब यकीन करो कस्टमर चिढ़ जाता है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक इंक्वायरी, जैसे ये इंक्वायरी है, एक इंक्वायरी में वो लिख रहा है FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड, FOB प्राइस चाहिए। तो आप आगे से अगर उससे सवाल पूछते हो, सर विच कंट्री, ये सबसे बड़ी बेवकूफी का सवाल है। वो आपको वहीं ब्लॉक कर देगा, कहेगा भाई ऐसे आदमी से मैंने काम नहीं करना। जब FOB मांग रहा है तो कंट्री का तो चक्कर ही खत्म हो गया भाई। आपने तो सिर्फ उसको ये जो आपका जो बिन कासिम पोर्ट है या गवादर पोर्ट है, वहां पर जो कश्ती आके लगेगी उसके तख्ते पर रखना है, बाकी उसकी मर्जी, वो जहां चाहे ले जाए। लेकिन यूजुअली कस्टमर्स अपना कंट्री बता देते हैं, लेकिन ना भी बताएं तो डजंट मैटर। अब एक कस्टमर ने फॉर एग्जांपल GSM आपको नहीं दिया, मिसाल दे रहा हूँ नहीं दिया, तो आपसे अगर वो पर केजी प्राइस मांग रहा है तो GSM की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी GSM फॉर अ पर केजी प्राइस, ठीक है। तो आप GSM अगर पूछते हो, ये भी बेवकूफी है। अच्छा, अब आप इस इंक्वायरी को अगर लेके चलते हो, मैं जरा गौर से सुनना इस इंक्वायरी को, तो इसमें क्या मांगा है बारे ने? इसे मांगा है 10 सिंगल 10 सिंगल 10 सिंगल, इसे 10-10 की क्वालिटी कहते हैं। चलो आपको ना भी पता हो तो आगे ओपन एंड ओपन एंड ओपन एंड लिखा है। ओपन एंड का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज ये हुई कि ये हल्का यान यूज किया गया है, अच्छा यान यूज नहीं। ओपन एंड घटिया यान होता है, गंदा यान होता है, अच्छा यान यूज नहीं होता। तो इसका मतलब है, पहली बात तो ये एक गरीब कस्टमर है, कोई अमीर कस्टमर नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लो आपको। और इसका जो आगे पर्पस है वो कोई बहुत हाई फाई पर्पस नहीं है, किसी बहुत बड़े होटल में नहीं दे रहा है, किसी बहुत बड़ी जगह नहीं दे रहा, ये किसी छोटे मोटे होटल के लिए या किसी छोटे मोटे स्टोर के लिए चाहिए। ये चीज सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, ओपन एंड में भी 2 क्वालिटीज आती हैं, कौन सी? एक ऑटोकोर आती है जो उसकी बेहतर क्वालिटी है, और एक वेस्ट की कैटेगरी आती है जो इसकी हल्की कैटेगरी होती है। अच्छा, अब ये कैसे देखें, कैसे समझे? देखो इसी इंक्वायरी में जो लिखा है मिनिमम 10 वॉशेस। मिनिमम 10 वॉशेस का मतलब क्या हुआ? आप जरा सोचो कि कम से कम 10 दफा धुले, इसका मतलब है कि 10 दफा धुलने के बाद 11वीं दफा जरूरत नहीं है, कचरे में फेंक दो, यही हुआ। तो इसको हम डिस्पोजेबल टॉवल भी कह सकते हैं कि बस 8-10 दफा धोना है फिर कचरे में फेंक देना है। आपको समझ आ रहा है मेरी बात? अच्छा, ये है क्या कॉन्सेप्ट, कभी सोचो, मैं समझाता हूं। आपके घर में तौलिया है, आप अपने घर में तौलिया को हफ्ते में एक बार तो धोते होगे, तो इसका मतलब है साल के कितने हो गए? 52 हफ्ते हो गए, इसका मतलब है साल में 52 दफा धुलता है, तो कितना हुआ? 50+ वॉशेस, 50 से ज्यादा वॉशेस, यानी इसका मतलब है कि पूरा एक साल निकाल देगा, बल्कि एक साल से ज्यादा ही निकालता है। ये बात आपको समझ आई? मिनिमम 10 वॉशेस का मतलब क्या हुआ कि महीना, 1.5 महीना या 2 महीना। तो ज्यादातर ये तौलिए कहाँ जाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये जो जिम्स होते हैं ना,
हमारे मुल्क में तो इतने बड़े बड़े जिम्स नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली चेन ऑफ जिम्स होती है, बहुत बड़े बड़े जिम जहाँ पे लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ उनको तौलिए दिए जाते हैं बड़े छोटे, वहाँ शावर्स होते हैं, ये स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ शावर्स होते हैं, ठीक है ना, ये डिस्पोजेबल टाइप के होते हैं, वो उन्होंने अपना बदन पोछा, इन्होंने लॉन्ड्री में भेजा, उसने धोया, अगले दिन ले आया, 8-10 दफा धोया, उन्होंने उठा के कचरे में फेंक दिया, ये वो तौलिए होते हैं, इसे डिस्पोजेबल तौलिया कहते हैं। तो जब मिनिमम 10 वॉशेस लिखा है, इसका मतलब है कि घटिया तौलिया चाहिए। अच्छा, हल्का तौलिया चाहिए, हल्के तौलिया में भी दो कैटेगरीज आती हैं, कौन सी, एक होती है जो 100% कॉटन होती है और एक में पॉलिएस्टर मिक्स करते हैं। देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों, अभी तजुर्बे की बात है, आप पॉलिएस्टर मिक्स करो, क्योंकि पॉलिएस्टर मिक्स नहीं करोगे तो ये चूंकि वेस्ट का माल है और इसका माल है और ये एक शॉर्ट फाइबर से बनता है, यानी समझ लो जो कचरा होता है ना कपास का, ये उससे बनता है तौलिया, इसीलिए इसको वेस्ट का माल कहते हैं ओपन एंड में। अब जब ये उससे बनता है, जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, जब उससे बनता है तो ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ये टूट जाते हैं, जब वार्पिंग होती है लूम पे या वेफ्ट में चलता है तो ये टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा पॉलिएस्टर कंटेंट को मिक्स करना पड़ता है 20-25%, उससे प्राइस भी कम हो जाती है और मजबूती भी आ जाती है। तो ये सवाल पूछने का होता ही नहीं है कि सर कॉटन है या पॉलिएस्टर है, भाई जाहिर बात है इसमें पॉलिएस्टर थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा 99%। हाँ, बायर अगर स्पेसिफिकली कहता है आपको कि नहीं जी हमें कॉटन चाहिए तो एक और बात है। अब मैंने आपका यार्न का खेल कर दिया, अब यार्न जो है इसका आज के जमाने में 110 से 120 रुपए पर पाउंड, इससे ज्यादा का नहीं है, बस ठीक है, ये आपका यार्न हो गया। अच्छा, अब आओगे ये किस लूम पे बनेगा, लोग कहते हैं सर हमने सुलझन में बना रहे हैं, एयरजेट में बना रहे हैं, रेपियर में बना रहे हैं, अरे बेवकूफो, दो मिनट के लिए सोचो, जो यार्न इतना हल्का है, जिसकी सीएलएसपी कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इतनी हल्की स्ट्रेंथ है, तो जब वो प्रोजेक्टाइल, तो ठक ठक प्रोजेक्टाइल पता है क्या होती है, वो जो पतली सी चीज होती है जो सोजल रूम में ठक 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 चलती है, वो तो बुलेट की तरह चलती है, वो उसको लेके जाएगी रास्ते में टूट जाएगा, रास्ते में यार्न टूट जाएगा, जब इसकी वार्पिंग होगी रास्ते में यार्न टूट जाएगा, इतनी हाई वेस्टेज होगी इसकी सोल्जर पर, एयरजेट पर, कहीं भी, ये सिर्फ चलता है जिसके अंदर बॉबिन हो, बॉबिन के अंदर यार्न हो, वो इसको आराम आराम से लेके चले, वो पावर लूम है। तो ये पावर लूम का माल है सबसे पहली चीज, तो ये दूसरी चीज जो इसमें लिखा हुआ नहीं है इंक्वायरी में, लेकिन आपका तजुर्बा आपको बताता है। तो पावर लूम की कितनी है आजकल पर पाउंड, तकरीबन 30 रुपए, वो आपने इसकी ले ली, मिसाल दिया। अच्छा, इसके बाद आपसे क्या कर रहा है, डाइड है, इसने पेंटोन नंबर भी दे दिया आपको, स्काई ब्लू कलर है। अच्छा, आप खुद मुझे बताओ, 10 वॉशेज के बाद आपने उसको फेंकना है, तो इसको क्या सॉफ्ट लो पे, हाई टेम्परेचर विंचेस पे, वेट डाइड, हाई रिएक्टिव, ये करूंगा, ये तो बेवकूफी है। इसको वो जो नहीं होता, वो जो डंडे पे जो डाई करते हैं, वो जो हैंगर डाइंग, ये वो वाली डाइंग है, 20-25 रुपए की होती है, ज्यादा और लोकल डाइज यूज की जाएंगी। जब वो खुद कह रहा है कि 8-10 डाइज के बाद आप फेंक दो तो हल्की, तो ज्यादा 25-30 रुपए इसकी डाइंग हो गई, खत्म। अब इसकी स्टिचिंग में, भाई इसकी स्टिचिंग कोई हाई फाई तो होगी नहीं, नॉर्मल सी इसकी स्टिचिंग होगी, और उसको अब स्टिचिंग को समझ लो भाई क्या है, कि स्टिचिंग बहुत आसान सा तरीका समझने के लिए होता है, इसका जो वजन बन रहा है वो 0.392 kg बन रहा है, ठीक है ना, एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, आपने किसी भी स्टिचिंग यूनिट से पर kg प्राइस ले ली, वो कहता है कि भाई इसकी मिसाल दे रहा हूँ भी 15 रुपए पर kg है, थैली वैली के साथ पर kg मिसाल, या चलो 20 रुपए भी कर लो, तो इसका मतलब हुआ कि आधे से भी कम मैं कॉस्टिंग में लूंगा, तो 7-8 रुपए पर kg कॉस्ट हो गई, तो पर पाउंड कॉस्ट हो गई, पर पाउंड इससे 7-8 रुपए हो गई ना, तो ये कॉस्टिंग इतनी आसान है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई कॉस्टिंग आती है हम उसको लेकर परेशान हो जाते हैं, हवा हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जब हम फैब्रिक की कॉस्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं मुझे बताओ, आप लोगों के पास इंक्वायरी आती है T180 फैब्रिक, आप फौरन 40-40-100 ले लेते हो। देखो, वो T180 जो है ना, याद रखना, वो ग्रे में नहीं मांग रहा, वो फिनिश में मांग रहा है, उसको 180 धागे वार्प और वेफ्ट में फिनिश में चाहिए, ग्रे में नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन क्या बनाते हो, नॉर्मली जो मैं बनाता हूँ नॉर्मली 40-40-100-72, जब वो श्रिंक होगा तो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी 40-40-109-71, वो 180 हो गए। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें आपकी इंक्वायरी में दी होती हैं। दूसरी बात, अगर इस इंक्वायरी को देखो तौलिए की, तो इसमें वो बेल पैक्ड मांग रहा है, और से देखना, बेल पैक्ड, बेल कंप्रेस की जाती है, दबाई जाती है, तो कंप्रेस हुई हुई बेल पैक्ड जो है, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, कंप्रेस हुई हुई बेल पैक्ड है उस, वो तकरीबन 40-44 हज़ार पाउंड आ जाता है। तो आप अपने नज़रिए में ये नहीं रख सकते कि जी इसकी जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस फर्ज करें 1.5-2 लाख रुपए तो डिवाइड बाय 20,000 पाउंड, या नहीं, वो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना हज़ार पाउंड माल आएगा, जबकि इस इंक्वायरी में लिखा हुआ है।
अगर आप इस तरीके से इंक्वायरी को डील करते हो, मिसाल दे रहा हूं, तो आपकी प्राइसिंग भी सही होगी और आपका काम भी सही होगा। 100 सप्लायर में से सिर्फ 3 सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने हाँ मुझे प्राइस दी। इसकी टारगेट प्राइस मेरे पास $2.50 पर केजी थी, लेकिन जाहिर बात है बायर से निगोसिएशन करेंगे तो $3.25 पर केजी तक भी चली जाती है, लेकिन $3.25 पर केजी के करीब करीब मुझे सिर्फ 3 सप्लायर ने प्राइस दिया आउट ऑफ 100 सप्लायर्स। इसका मतलब है 97 सप्लायर्स को काम करना नहीं आता। गाइज सबसे पहले टावल की कॉस्टिंग सीखें, यू नीड टू लर्न टावल कॉस्टिंग। गाइज ये मेरा बस एक मैंने एक थोड़ा सा बना दिया कि एक मैं वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि एक्सपोर्ट की इंक्वायरी कैसे डील की जाती है। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।